हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है लापसी बनाना। तो आइए बनाते हैं राजस्थान स्टाइल में लापसी। गुड़ की लापसी बनाने के लिए ये हमने 100 ग्राम गुड़ लिया है और 100 ग्राम हमने दलिया लिया है और ये थोड़ी सी हमने किशमिश, थोड़े से बादाम को कट कर लिया है, थोड़ा सा हमने नारियल को भी कट कर लिया है और ये थोड़े से हमने काजू के टुकड़े लिए हैं। ये 4 से 5 मैंने इलायची ली हैं। इसके इलायची के हमने दाने निकाले हैं, इसको हमने पीसा नहीं है और आधा चम्मच मैंने सौंफ ली है। तो आइए बनाते हैं लापसी। ये मैंने 3 कटोरी पानी लिया है, 1 कटोरी दलिया है, तो 3 कटोरी मैंने पानी लिया है। पानी को मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ और इधर ये मैंने कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रखा है। अब मैं इसमें 1 सर्विंग स्पून देसी घी डालूंगी और इसी के अंदर मैं ये सौंफ डाल दूंगी और साथ ही मैं ये दलिया डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। हमने लापसी के अंदर सौंफ डाली है और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये राजस्थान की फेमस डिश है और ये हमारा दलिया कितने अच्छे से भुन चुका है। सारे ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। ये पानी गर्म हो चुका है, गैस को मैंने बंद कर दिया है। इसमें धीरे धीरे पानी डालूंगी, बिल्कुल धीरे धीरे बचाकर पानी डालना है। अब मैं इसमें ये गुड़ डाल दूंगी, ये टुकड़ों में मैंने तोड़ रखा था। मैंने यही कटोरी दलिया का लिया है और यही 3 कटोरी मैंने पानी डाला है और इसे अब मैं ढक के पकने दूंगी। इसे 2 से 3 मिनट तक मैं इसी प्रकार से पकने दूंगी, फिर उसके बाद चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। ये देखो, देखने में कितनी बढ़िया लग रही है हमारी लापसी, कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है। अब मैं ये इसमें ये इलायची के दाने डाल देती हूँ। ये मुंह में आते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। कितनी बढ़िया से बनकर तैयार हुई है हमारी लापसी। और अब मैं इस लापसी को एक बाउल में सर्व करूँगी। और ये हमारी लापसी कितने अच्छे से बनकर तैयार हुई है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।